Hello everyone, this is Abhinay Anand and welcome back to the Mineralogy series of Basic Concepts of Geology. Today we are going to talk about the Pauling's rule. Pauling's rule are very basic rules, we should all know this. In today's video, we are going to define the all of 5 rules of given by Pauling's. We also see what are isodiismic and anisodiismic and mesodiismic structure. So Linus Pauling has studied crystal structures and the type of bonding and coordination that occurs within them. His studies found the crystal structure over the following rules, known as the Pauling's rule. He gave the 5 rules. We are going to see one by one. So first rule of Pauling's is, around every cation, a coordination polyhedron of anion forms, in which the cation-anion distance is determined by the radius sum and the coordination number is determined by the radius ratio. So first rule के बारे में हम already पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं. Cation-anion का distance determined over radius sum से and the coordination number is determined by the radius ratio. तो ये already हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. If you remember कि हमने define किया था कि coordination number जो है वो कैसे related होता है radius ratio से. और particular type के लिए अलग-अलग different radius ratio होते हैं respective to coordination number. इसी relationship को first rule में Pauling's ने define किया है. Second rule of Pauling's is the electrostatic vacancy principle. An ionic structure will be stable to the extent that the sum of the strength of the electrostatic bonds that reach an ion equal the charge on that ion. देखो ये बहुत ही सिंपल है. मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ विद द एग्जांपल, फिर आपको आसानी से समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी क्या होते हैं इसको डिफाइन करते हैं. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी इज डिफाइन एज द चार्ज ऑफ आयन डिवाइडेड बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर. सो दिस विल गिव द electrostatic vacancy of any ions. अब देखो इस रूल में कीवर्ड क्या है. एक तो स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात हो रही है, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड की बात हो रही है, मतलब कि बॉन्डिंग. ओके, थर्ड है चार्ज. ओके, तो क्या हुआ, तीन इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड चार्ज. तो इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की गई है. तो वो किस तरह से की गई है, उनके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उनको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. अभी देखो, दिस इज द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ NaCl, दैट इज ऑक्टाहेड्रल. अब इसमें क्या होता है, Na जो होता है दैट इज कैटायन इज सराउंडेड बाय द 6 Cl दैट इज एनायन. तो अभी देखो चार्ज की बात हो रही है. चार्ज अगर, अब देखो एक ये मॉलिक्यूल है बट आप इसमें चार्ज देखोगे तो क्या है कि Na पे क्या है 1 प्लस चार्ज होता है. ओके, प्लस 1. एंड Cl पे क्या होता है -1. ओके, अब लेकिन जब ये 6 कोऑर्डिनेटेड होंगे, जैसे कि आप ये देख सकते हो इसमें कि ये Na आपका और ये Cl है. अभी देखो ये इसके साथ कोऑर्डिनेटेड है, तो जब आप टोटल चार्ज देखोगे तो क्या होता है, Na पे प्लस 1 होता है और 6 Cl है, Cl पे -1 होता है. तो ये प्लस 1 एंड 6 -1 हो गए, है ना. तो यहां पे क्या है, ये बैलेंस नहीं है. तो जब ये इस तरह से बॉन्ड बनाता है तो ये अब क्या होगा. अब यहां जो इसकी स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हेल्प लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी की. अब Na के इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी की बात करें तो इसका चार्ज क्या होता है, 1 होता है. कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है. तो ये हो गया 1/6 इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी. अब यहां से क्या होगा कि जो Cl के पास -1 चार्ज है वो इसको Na को कितना देगा, 1/6. अब 1/6 6 टाइम होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऑलरेडी 1 हो जाएगा. फिर Na प्लस 1 एंड Cl माइनस 1, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये बैलेंस हो जाएगा. तो यही इस स्ट्रक्चर में दिखाया गया है कि हर Cl जो है अपना अपने चार्ज का 1/6 पोर्शन जो है Na के साथ शेयर कर रहा है. तो फिर इसी तरह से ये NaCl का स्ट्रक्चर जो है स्टेबल होता है. तो एक कंडीशन ये हो गया. सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ NaCl. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे आप मुझे. NaCl में Na जो होता है क्या होता है, वो 6 Cl से सराउंडेड होता है, ये पता है आपको. उसके बाद जो ये Cl है वो क्या होता है, फर्दर 6 Na से सराउंडेड होता है. तो इस केस में क्या होगा, Cl के अराउंड भी 6 जो है Na होंगे. ओके, तो अब देखो यहां से चार्ज बैलेंस करो इसका. तो Cl का चार्ज क्या होता है, -1 और
प्लस वन, तो यहां से भी क्या होगा 1/6 इसका होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी. सो इन केस ऑफ NaCl व्हाट वी हैव सीन कि चार्ज ऑफ एनायन एंड कैटायन इज एग्जैक्टली बैलेंस्ड. बैलेंस्ड होता है इनका एनायन और कैटायन का चार्ज. तो इस केस में क्या होगा कि इसके जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी इन ऑल डायरेक्शन सेम होगी. तो इसी को क्या बोलते हैं आइसोडेसमिक. मतलब जिस भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑल डायरेक्शन में सेम हो उसको बोलते हैं आइसोडेसमिक. अब देखो एक तो ये पहला केस हो गया कि एग्जैक्टली बैलेंस है. कोई ऐसा भी तो केस होगा जिसमें बैलेंस नहीं होगा, तो उसमें दो कंडीशन और बनते हैं वो हम आगे देखते हैं. अब ये देखो CO3 का स्ट्रक्चर है. अब इसमें देखो क्या होता है, सेंटर में क्या है जो कैटायन है Ca4+, C का क्या होता है 4+, ओके, और O का क्या होता है -2. अब ये ट्राइगोनल कोऑर्डिनेशन में है तो अब इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी क्या होगा 4/3. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है वो क्या अपने पूरे चार्ज का 4/3 ही एक कार्बन के साथ शेयर करेगा. तो ये कितने 4/3 है इंटू 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए 4. तो यहां से भी क्या हुआ चार्ज बैलेंस हो गया. बट यहां पे क्या हुआ देखो, सी ए का +4 है और इसको मिल गया -4. सी ए तो बैलेंस हो गया, सी ए न्यूट्रल हो गया, बट ऑक्सीजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन का -2 था, इसने अपना दे दिया 4/3. तो अब इसके पास कितना बच गया 2 - 4/3, दैट इज 2/3. तो अभी हर ऑक्सीजन के पास इतना चार्ज जो है अभी भी है. तो अभी क्या हुआ कि अभी हर ऑक्सीजन के पास -2/3 चार्ज अभी भी इसके पास क्या है रिमेनिंग चार्ज -2/3 है. तो ये बैलेंस नहीं हुआ, कैटायन एंड आयन दोनों के चार्ज बैलेंस नहीं हुए. तो यहां से आपका दूसरा केस बनता है क्योंकि ये ऑक्सीजन के पास -2/3 चार्ज बनता है, इसलिए ये कार्बोनेट के साथ जब भी स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम बोलते हैं CO3-2. तो ये -2 आने का यही रीजन है, इसलिए बोला जाता है कि ये कार्बोनेट का स्ट्रक्चर की जब बात करो दैट इज CO3-2. इसको ऐसे ही लिखते हैं, CO3 नहीं लिखते. ये कार्बोनेट स्ट्रक्चर की बात होगी तो CO3-2, तीन ऑक्सीजन के साथ ये -2 चार्ज लगेगा क्योंकि इसको फिर बैलेंस करना है क्योंकि ऑक्सीजन के पास -2/3 का चार्ज बचा हुआ होता है. तो इस तरह से पता चला हमें कि CO3-2 क्यों लिखा जाता है. एक चीज यहां से क्लियर होगी. अब देखो ये केस, जब ये दूसरा केस हो गया हमारे पास कि जब चार्ज बैलेंस कैटायन और एनायन के बीच में नहीं होता तो क्या होता है. देखो मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुनेंगे. अब देखो इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक वैलेंस की वैल्यू क्या हुई 4/3 एंड चार्ज ऑफ एनायन, एनायन इज O, चार्ज क्या है इसका 2. अब इस केस में देखो क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी इज ग्रेटर देन हाफ ऑफ द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एनायन. मतलब कि ये 4/3 जो है ये क्या है ग्रेटर है, चार्ज ऑफ एनायन कितना 2 है इसका हाफ. तो इस वैल्यू के अगर ये ग्रेटर होगा तो इस केस में क्या होगा देखो. सो इन दिस केस द एनायन विल बी मोर स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टू द सेंट्रल कोऑर्डिनेटेड कैटायन देन इट कैन बी बॉन्डेड टू द अदर स्ट्रक्चरल ग्रुप. When this occurs, this bonding is said to an isodesmic. अगर ये electrostatic vacancy जो है वो half of the value of charge of anion, anion का charge है ये, cation का नहीं, anion. तो उस case में जो anion होगा वो more strongly connected होगा centrally situated cation से rather than the other structure. इसके अलावा जो बाहर जो भी structure form होंगे उससे, जो इसका charge बच गया तो ये भी तो बाहर form करेगा ना, एक और किसी से बनाएगा. तो ये क्या जो सेंटर में सिचुएटेड होगा इस केस में वहां पे वो मोर स्ट्रॉन्ग होगा ये बॉन्ड रेदर देन दिस बॉन्ड. तो यही है उसका सेकंड केस. सो लेट्स मूव टू द अनदर केस. सो दिस इज द SiO4 टेट्राहेड्रॉन, ओके. अब इसमें भी देखो क्या होता है, सेंटर में क्या है Si4+ है और इसके चार और जो है O2- है, ओके. तो अब यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक वैकेंसी निकालो इसका 4/4, दैट इज 1. तो क्या होगा, हर एक ऑक्सीजन जो है वन पार्ट जो है इसका वो शेयर करेगा सिलिकॉन के साथ. तो हर ऑक्सीजन के पास यहाँ भी बच गया -1. तो यहाँ से कितने बच गए, -1 × 4 ऑक्सीजन है तो टोटल कितने -4 बन गए. तो देखो अब जब हम SiO4 लिखते हैं तो क्या होता है, वो एग्जैक्टली SiO4- होता है. तो ये -4 है वो कहाँ से आया, वो यहीं से आया,
जो ये ऑक्सीजन के पास माइनस वन चार्ज बचे हुए हैं, तो ये चारों के पास एक एक बचे हुए, तो माइनस फोर, तो ये वैकेंसी यहाँ से आती है। तो एक चीज यहाँ से बहुत ही बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता चल गया कि जब भी हम SiO4 माइनस फोर लिखते हैं तो ये माइनस फोर कहाँ से आता है। तो अब इस केस में क्या हुआ, इलेक्ट्रोस्टेटिक वैकेंसी हो गई वन एंड चार्ज ऑफ एनायन इज टू, तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोस्टेटिक वैकेंसी की जो वैल्यू है एग्जैक्टली क्या है, हाफ ऑफ द चार्ज ऑफ एनायन। देखो जब ये कंडीशन आएगा तब क्या होगा, तब जो ये एनायन है वो क्या होगा, एक तो बॉन्ड बनाएगा सेंट्रली सिचुएटेड कैटायन से, इसके अलावा एक ये बॉन्ड क्योंकि माइनस वन है ये आउटसाइड भी बनाएगा, तो ये दोनों बॉन्ड जो है वो एग्जैक्टली सेम होंगे। पिछले वाली कंडीशन में क्या था, जो सेंट्रल से बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग था, बट क्योंकि ये जस्ट हाफ है, क्योंकि माइनस वन यहाँ है और वन इसने माइनस वन शेयर किया है, तो दोनों तरफ बॉन्ड जो होंगे वो सेम होंगे। ये था तीसरा कंडीशन, और जब ये ऐसा होगा तो इसको बोलते हैं मेसोडेस्मिक। आई होप आपको आइसोडेस्मिक, इन आइसोडेस्मिक एंड मेसोडेस्मिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो सो दिस इज द सेकेंड रूल ऑफ पॉलिंग्स प्रिंसिपल। लेट्स सी द रूल नंबर ऑफ पॉलिंग्स प्रिंसिपल। शेयर्ड एजेस एंड पर्टिकुलरली फेसेस ऑफ टू एनायन पॉलीहाइड्रा इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिक्रीज इट्स स्टेबिलिटी। अब देखो इसका क्या मतलब है, हम इसको डायग्रामेटिकली आसानी से समझते हैं। यहाँ पे दो टेट्राहेड्रा है जो कि अपने एनायंस को शेयर कर रहे हैं एट द कॉर्नर। इस केस में क्या होगा, जो दो कैटायन का डिस्टेंस है वो क्या होगा, वन है। ओके अब इसका सेकेंड कंडीशन देखते हैं। अब ये क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं, अपने एजेस को शेयर कर रहे हैं, एजेस वाले जो हैं वो एनायन इन्होंने शेयर किया। तो फिर इस केस में क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है बिटवीन द कैटायंस वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। पहले वन था अब 0.58 हो गया। अब नेक्स्ट केस में देखो क्या है कि अब जो है ये फेस को, जो ये वाला फेस है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसके साथ शेयर कर रहे हैं इस एनायन को, ये तीनों के साथ। तो इस केस में जो दो कैटायन थे उसका डिस्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ कि इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा होगा। तो यही इसका थर्ड रूल बताता है, जब भी वो कॉर्नर एनायंस के अलावा अपने एज पे या फेस पे जब भी वो शेयर करेगा तो उसके एनायन का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा, जिससे कि उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब कुछ लोग यहां से भी कंफ्यूज करेंगे कि ये तो जितना पास होगा वो तो उतना स्ट्रॉन्गर होगा। तो भैया आप भूल रहे हो कि इसके ऊपर चार्ज भी होता है, और जब दो सेम चार्जेस पास होते हैं तो क्या होता है, रिपेल करता है। जब अपोजिट चार्ज होता है तो वो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है। दिस इज द वेरी बेसिक थिंग। तो इसी वजह से जिसके डिस्टेंस ज्यादा होंगे वो क्या होगा, मोर स्ट्रॉन्गर होगा। तो यहां से हमें ये पता चलता है कि जो कॉर्नर जब वो शेयर करता है एक ऑक्सीजन को एक एनायन को, वो मोर स्ट्रॉन्गर होता है रदर देन। तो यहाँ पे दो एनायन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे तीन एनायन शेयर हो रहे हैं। तो इसलिए जब भी हम जब सिलिकेट स्ट्रक्चर करेंगे तो जब भी देखेंगे आप, जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी कोई भी सिलिकेट स्ट्रक्चर ले लो, जितने भी आयनो सिलिकेट साइक्लो सिलिकेट कोई भी ले लो, तो वहां क्या होता है, वहां पे जो कॉर्नर वाला एनायंस होता है, जो ऑक्सीजन होता है वही शेयर होता है। तो यहां से एक चीज ये पता चली। देखो ये छोटे छोटे बेसिक टर्म है, जब तक ये जानोगे नहीं तब तक पढ़ने का मजा नहीं है। अब इसके बाद जब हम आगे सिलिकेट स्ट्रक्चर करेंगे तो फिर एक एक चीजें हमें, बेसिक चीजें पता आएगी। तो हमें ड्रॉ भी करना होगा सिलिकेट स्ट्रक्चर, आपके एग्जाम में आता है क्या, बोल देगा साइक्लो सिलिकेट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो फिर आपको पता होगा कि हमें कौन सा ऑक्सीजन शेयर करना है कौन सा नहीं करना है, तो इजिली आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये सब फायदा होता है छोटे छोटे बेसिक चीजों को जानने का। सो लेट्स सी द रूल नंबर फोर। इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर कंटेनिंग सेवरल कैटायंस those of high vacancy and a small coordination number tend to not share polyhedral elements. तो ये वाला जो होगा, जिसके कम coordination number होंगे, high chair होगा, ये share नहीं करेगा अपने polyhedral elements को. So let's move to the rule number 5, the principle of parsimony. The number of different kind of constituent in a crystal tend to be a small. This is very simple. It means that there are only a few different type of cations and anion sites in a crystal. Even though a crystal may have tetrahedral sides, octahedral sides and cubic sides, most crystals will be limited to the small number of sides, although different elements may occupy the similar sides. तो जो भी different kind of constituent होंगे वो क्या होंगे, number में small होंगे, क्योंकि limited इसमें जो है cations and anions के sides होते हैं in a crystal.
चाहे उसकी पैकिंग कुछ भी हो, कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ भी हो, चाहे टेट्राहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल हो, क्यूबिक हो, सब में ये कंडीशन सेम होता है। तो आई होप यहाँ से आपको पांचों रूल काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत सारे बेसिक थे, तो यहाँ से जब हम आगे आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर करेंगे, दैट इज सिलिकेट स्ट्रक्चर, उसमें हम ये सारे रूल अप्लाई करने वाले हैं, तो उनको समझने में हमें ज्यादा आसानी होगी। देखो, रैंडम चीजें पढ़ने से अच्छा है कि एक सिक्वेंस हम किसी भी चीज को पढ़ें। अब यहाँ से सिलिकेट स्ट्रक्चर हम अगले वीडियो से करने वाले हैं, तो अब हमको समझने में भी आसानी होगी, याद रखना भी आसान होगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चीजों को समझ समझ के करो तो बहुत ही आसान है। मिनरोलॉजी बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं अब सिलिकेट स्ट्रक्चर के बारे में, तो प्लीज कम बैक अगेन, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मेरे अभी भी क्या बोलूँ मैं, चलो जाने दो, टेक केयर, बाय बाय।